नमस्कार दोस्तों, इंफोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर, जहां पर इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और वहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रिजल्टेड करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में एक लोन एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है, जो कि अराउंड $484 मिलियन का लोन एग्रीमेंट है। बेसिकली दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे देश के हर एक स्टेट एंड हर एक रीजन में इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे देश में 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्लान किए गए हैं एंड चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी इसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। तो ये जो कॉरिडोर होने वाला है, ये हमारे देश के साउथर्न एरिया में होने वाला है, जो कि ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक पार्ट होने वाला है। एंड आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में इस ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए लीड पार्टनर है। एंड नाउ इसी के अंतर्गत हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेंटर्स एंड क्लस्टर्स, ट्रांसपोर्ट गेटवेज, कंजप्शन सेंटर्स, लॉजिस्टिक हब्स, इन सबको कनेक्ट करने के लिए इस चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा, जिसके अंतर्गत वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बिल्ड की जाएगी, ताकि आने वाले समय में हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सके। दोस्तों, ये जो चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होने वाला है, ये तमिलनाडु स्टेट में 590 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवे को अपग्रेड करने में काम करेगा, जो कि तमिलनाडु स्टेट में चेन्नई से कन्याकुमारी के बीच में 23 डिस्ट्रिक्ट को कवर करने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट रन ऑयल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जहां पर उनके फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को और भी कम करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि वो एक न्यू पाइपलाइन को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, जो कि अराउंड 215 किलोमीटर की होगी, जिसका निर्माण हल्दिया पोर्ट से पानागढ़ वेस्ट बंगाल में जो कंपनी का बोटलिंग प्लांट है वहां तक की जाने वाली है। तो सो एज ऑफ नाउ HPCL के पास हमारे देश में अक्रॉस द कंट्री 3775 किलोमीटर की पाइपलाइन है, जिसको वो ऑपरेट करती है। एंड वहीं दोस्तों, झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में इनके जो प्लांट्स हैं उनके मुकाबले में जो पाइपलाइंस हैं वो काफ़ी कम है, जिसके चलते इनका जो फ्यूल है या फिर जो और भी थिंग्स हैं उनको बाय रोड ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो कि इनको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। एंड इसी को रिड्यूस करने के लिए इनकी तरफ से प्लान प्रिपेयर किया गया है, जिसके अंतर्गत ये न्यू 215 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। एंड दोस्तों, इसे कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले समय में जब ये पाइपलाइन बनकर तैयार हो जाएगी, तो एनुअली इस पाइपलाइन से 1.06 मिलियन टन तक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ट्रांसपोर्ट हो पाएगी। एंड इसके अलावा उनकी तरफ से हमारी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी को जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं, उसमें HPCL के द्वारा इस लाइन का एक्सटेंशन करने की बात कही गई है, जिसको एक्सटेंड करके पहाड़पुर LPG प्लांट, जो कि HPCL का है, कोलकाता में है, उस तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है चाइना को मिले एक न्यू शॉक को लेकर, जहां पर इंडिया बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ कम्युनिटी लोकल सर्कल की तरफ से हमारे देश में एक सर्वे किया गया था, ताकि ये चेक किया जा सके कि अभी भी कितने लोग मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं और उनको बाय करना चाहते हैं। एंड दोस्तों, इनका सर्वे का एक रिजल्ट निकल कर आया है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश के 43% लोग ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर गलवान क्लैश के बाद जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स हैं उनको बाय करना बंद कर दिया है। बेसिकली दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे चाइना के साथ जो रिलेशंस है वो कभी बेहतर नहीं रहे हैं। एंड लास्ट ईयर जो गलवान क्लैश था, उसके बाद में जो रिलेशंस थे वो उसकी वर्स्ट सिचुएशन पर पहुंच गए थे। एंड दोस्तों, उसी समय हमारी गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत मिशन काफी प्रोग्रेस करने लगा था, जिसके चलते अभी इस पर काफी सीरियस नोट पर काम किया जा रहा है। एंड दोस्तों, इसी को चेक करने के लिए इस लोकल सर्कल नाम की कंपनी के द्वारा ये सर्वे लिया गया था, जिसके बारे में अगर डिटेल में बात करूं तो ये सर्वे हमारे देश के 281 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में लिया गया था, जहां पर 18,000 रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड किया गया है। एंड दोस्तों, इनके सर्वे के अकॉर्डिंग 43% इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर गलवान क्लैश के बाद में जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदना बंद कर दिया है। एंड वहीं 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेयरली एक या दो चाइनीज प्रोडक्ट बाय किए हैं। एंड वहीं 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो चाइनीज प्रोडक्ट्स बाय किए हैं वो वैल्यू फॉर मनी के कारण ही बाय किए हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कम्युनिटी के द्वारा लास्ट ईयर नवंबर 2020 में फेस्टिव सीजन के दौरान भी एक सर्वे लिया गया था, जहां पर 70% इंडियन कंज्यूमर्स ऐसे थे जिन्होंने मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया था। तो दोस्तों, इस सर्वे से एक कंक्लूजन निकल कर आता है कि अब ये हमारी इंडियन इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश स्टेट से, जहां पर यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि यूपी स्टेट हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। एंड इसी के चलते फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में यूपी स्टेट की जो रैंकिंग है वो भी काफी तेजी से ग्रोथ चली जा रही है। बेसिकली दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लास्ट 4 ईयर्स में यूपी गवर्नमेंट को उनकी स्टेट में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड 139 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स रिसीव हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रपोजल्स डोमेस्टिक कंपनीज के थे एंड बहुत सारे प्रपोजल्स
फॉरेन कंपनीज के भी थे। एंड इसके अंतर्गत दोस्तों सभी कंपनीज ने यूपी स्टेट में 9,105.68 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट करने की बात कही थी। एंड एज ऑफ नाउ इन 139 प्रपोजल्स में से 101 प्रपोजल्स ऐसे हैं जिन्होंने यूपी स्टेट में उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करके प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी है। एंड साथ ही साथ यूपी स्टेट में इनके द्वारा 4,074.02 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट भी कर दी गई है। एंड वही 20,176 पीपल को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवा दी गई है। एंड वही दोस्तों 139 में से 38 प्रपोजल्स ऐसे हैं जिन पर काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड इनके द्वारा यूपी स्टेट में 5,031.31 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एंड साथ ही साथ 21,111 पीपल को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड दोस्तों ये सभी प्रपोजल्स होने वाले हैं ये इसी साल के एंड तक यानी कि 2021 के एंड तक कंप्लीट कर ले जाएंगे। एंड यहाँ पर प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी जाएगी। एंड दोस्तों यूपी गवर्नमेंट ने इसी के साथ साथ ये भी अनाउंसमेंट की है कि आने वाले समय में यूपी स्टेट में फूड सेक्टर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को और भी अट्रैक्ट करने के लिए वो कई तरह के प्लान्स एंड प्रपोजल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लार्सन एंड टोब्रो इंफोटेक लिमिटेड की तरफ से, जहां पर उनके बिजनेस के एक्सपांशन के लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो पुणे बेस्ड क्यूलॉजिक फर्म को एक्वायर करेंगे। एंड इसी के चलते उन्होंने क्यूलॉजिक के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। बेसिकली दोस्तों L&T इंफोटेक है वो क्यूलॉजिक के 100% स्टेक एक्वायर करने वाली है। एंड वहीं बात करें क्यूलॉजिक की तो क्यूलॉजिक एक डिजिटल स्पेस कंपनी है जो डिजिटल इंजीनियरिंग, क्लाउड सर्विसेज, मोबाइल एप्लीकेशंस, इनोवेशन लैब्स, AI इस तरह की फील्ड्स में काम करती है। एंड करंटली इनकी इंडिया एंड फॉरेन कंट्री USA में अच्छी खासी प्रेजेंस है। एंड दोस्तों ये L&T के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने L&T इंफोटेक को ये बताया है कि ये एक्विजिशन उनके बिजनेस के एक्सपांशन के लिए बहुत ही सूटेबल रहने वाली है, जिसके चलते L&T इसके 100% स्टेक को एक्वायर करने वाली है। एंड दोस्तों ये जो डील होने वाली है ये 8.4 मिलियन के काफी बड़ी डील होने वाली है, जिसे आने वाले 2 to 4 वीक्स में कंप्लीट कर लिया जाएगा। एंड दोस्तों एक बार इसके एक्विजिशन के बाद L&T इंफोटेक का ये 7th एक्विजिशन होने वाला है, जब से वो 2016 के बाद BSE या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट एविग्ना ग्रुप की तरफ से, जहां पर अब उनकी तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो तमिलनाडु की कैपिटल सिटी चेन्नई में एक इंटरनेशनल लेवल का फूड टर्मिनल मार्केट को सेटअप करने का काम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इसी के चलते उनका जो प्लान है इस फूड टर्मिनल मार्केट को सेटअप करने का, वो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट कर दिया जाने वाला है। बेसिकली दोस्तों इस न्यूज़ को मैंने आज से 2-3 महीने पहले कवर किया था। एंड अगर आप मेरी वीडियोज़ को रेगुलरली एंड शुरू से देखते हो तो आपको इसके बारे में पता भी होगा, जहां पर मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश में एक इंटरनेशनल लेवल का फूड टर्मिनल मार्केट सेटअप करने वाली है, जो कि हमारे इंडिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट होने वाला है। एंड दोस्तों नाउ 2-3 महीने बाद कंपनी के द्वारा यह अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों उनके प्लान्स के अकॉर्डिंग कंपनी यहां पर इस फूड टर्मिनल मार्केट को सेटअप करने के लिए 2,000 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जहां पर फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन किया जाएगा, जिसमें फूड टर्मिनल्स, वेयर हाउसेस, ड्राई पोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, बजट होटल्स फॉर फार्मर्स, प्रोसेसिंग एंड कलेक्शन सेंटर्स, एक्सपोर्ट सर्विसेज एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, इस तरह की सभी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज अवेलेबल होने वाली है। एंड दोस्तों वहीं इस फूड टर्मिनल मार्केट की हैंडलिंग कैपेसिटी 12 लाख टन्स पर एनम तक होगी। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हर तरह की अप्रूवल दे दी गई है। एंड नाउ इसका बिजनेस प्लान तमिलनाडु गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करने के बाद इस पर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां पर देश में हाईवे एंड रोड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में जो हाईवेज हैं उनकी क्वालिटी को और भी इंप्रूव करने के लिए हमारी NHAI एक न्यू प्लान को लेकर सामने आई है, जिसके अंतर्गत हमारी NHAI की तरफ से हमारे देश में हाईवे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए जो ड्रोन्स हैं उनका यूज़ करना मैंडेटरी कर दिया गया है। एंड अब इसके अंतर्गत जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा उनको मंथली बेसिस पर इन हाईवेज की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी ड्रोन्स का इस्तेमाल करके। बेसिकली दोस्तों हमारे देश में हाईवे कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी, रोड सेफ्टी, क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों को इन्हांस करने के लिए हमारी NHAI रेगुलरली कई तरह के न्यू रूल्स एंड प्रपोजल्स लेकर आ रही है। एंड रिसेंटली हमारे देश में जो हाईवेज हैं उनकी ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए NHAI की तरफ से नेटवर्क सर्वे व्हीकल को डिप्लॉय करना मैंडेटरी कर दिया गया था। एंड नाउ इसी को और भी फर्दर स्ट्रेंथन करते हुए NHAI की तरफ से न्यू स्टेप लिया गया है। एंड इसी के साथ साथ उनके द्वारा एक डाटा लेक पोर्टल भी अनाउंस किया गया है, जहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे और उनके द्वारा ड्रोन्स का इस्तेमाल करके बनाई गई जो वीडियो होगी उनको वहां पर अपलोड किया जाएगा, जिसको NHAI परमानेंटली स्टोर करके रखेगी एंड ताकि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट हो तो इसको यूज किया जा सके। एंड यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाले सर्वे होने वाले हैं इसको हाईवे कंस्ट्रक्शन की हर एक स्टेज में यूज किया जाने वाला है, चाहे फिर वो डेवलपमेंट हो, कंस्ट्रक्शन हो, ऑपरेशन हो या फिर मेंटेनेंस हो। तो दोस्तों यहां पर हमारे देश में हाईवेज की कंस्ट्रक्शन और उसकी क्वालिटी को और भी इंप्रूव करने के लिए हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काफी अच्छा इनिशिएटिव हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।